हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। आज हम बनाएंगे घर पे बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज्जा। चीजी लाजीज पिज्जा बनेगा कि एक बार में ही आपका परफेक्ट पिज्जा बनके तैयार होगा। और बनाना इतना आसान है कि आप बार बार बनाइएगा और बच्चे तो खास करके जिद करने वाले हैं। और बहुत ही आसान से आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसीबी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह डेली न्यू कुकिंग का वीडियो देखने के लिए और रिव्यू वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कुकिंग का वीडियो और रिव्यू वीडियो दोनों मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए हम लिए 1 कप मैदा। तो आपको कोई भी कप को आपको सेट कर लेना है बनाने के लिए कि आप किस कप से मैदा ले रहे हैं। उसी कप से आपको भर के लेना है 1 कप दही, और दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ज्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। आपको रूम टेम्परेचर पे दही लेना है। तो ये देखिए, 1 कप भर के हम डाल दिए दही। जिस कप से हम मेजर किए थे मैदा, उसी कप से भर के डालेंगे दही और इस सबको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। आपको इतने अच्छे से फेंटना है कि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और थोड़ा सा डाल देंगे चीनी और थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तब बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे डालिएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और दही हम लोग इसलिए डालते हैं कि दही में जब बेकिंग पाउडर मिक्स होता है तो बहुत ही अच्छे से फ्लफी सॉफ्ट और स्पंजी हमारा जो है बेस बन के तैयार होगा पिज्जा का। इसे एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है और इतना आसान है ना, यकीन मानिए इससे पहले आप इतना आसान रेसिपी नहीं देखे होंगे पिज्जा का। और बनाना इतना आसान है कि आप एक बार में ही आपका परफेक्ट पिज्जा बनने वाला है, चीजी बनेगा, यकीन मानिएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करिए और देखिए कितना टेस्टी पिज्जा आप घर पे बना सकते हैं बिल्कुल आसान से रेसिपी के साथ। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसे आप फेंटिए और जैसे ही आपको लगे ऐसा कि आपका बैटर जो है ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा और दही इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बैटर हमें बिल्कुल न ज्यादा थिक बनाना है न ज्यादा पतला बनाना है। कैसा बनाना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा थिक लग रहा था तो ऊपर से थोड़ा सा और दही ऐड कर लिए हैं। आपको एक ही बार में नहीं डालना, अगर एक ही बार में डालिएगा तो ज्यादा जो हमारा बैटर है वो पतला हो जाएगा। और आपको ऐसा बनाना है कि बिल्कुल रिबन जैसा होना चाहिए, जब इसे हम ऊपर से ऐसे गिराएं तो बिल्कुल रिबन जैसा गिरना चाहिए। और ये देखिए कितने अच्छे से हम इसे फेंट लिए हैं, बिल्कुल लम्स नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फेंटना है। और ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए, तो हमारा जो है पिज्जा का बेस बनके बिल्कुल परफेक्ट तरीके का बैटर बनके तैयार हो गया बेस बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं बेस बनाने की तरफ। तो बेस कैसे बनाना है, किस चीज में आपको बनाना है वो बताने वाले हैं। और इस पिज्जा को हम बनाने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है, बिना ओवन बिना जी कढ़ाई में बनाएंगे और कढ़ाई में जो है आपका पिज्जा परफेक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। इसीलिए पहले हम लिए कढ़ाई, कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे, ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 चम्मच छोटे चम्मच वाला तेल डालिए और इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पैन ले लीजिए, तवा ले लीजिए, आप उसपे इसे अच्छे से फैला सकते हैं। आपको जिसमें इजी लगे आप उसमें बनाइए, हम बना रहे हैं इसे कढ़ाई में। और इसे सारा जो बैटर है इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल आपको मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है, न ज्यादा हाई फ्लेम न ज्यादा लो फ्लेम रखना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है। तो ये देखिए सारा बैटर डाल दिया, इसे अच्छे से फैला लेंगे, बीच में ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, चारों तरफ से अच्छे से फैलाएंगे ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छे से सिके। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला लिए हैं, इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। 2 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा हुआ है। तो 2 मिनट तक इस तरीके से ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए और 2 मिनट के बाद फिर देखते हैं कि ये जो हमारा बेस है कितना पका है। और आप देख सकते हैं कितना इजी है पिज्जा बनाना, एक ही बार में आपका जो है परफेक्ट पिज्जा बनने वाला है। तो ये देखिए आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये सीख गया। और ये देखिए वाओ, कितने अच्छे से ये सीखा हुआ है ना, कितना प्यारा से इसमें कलर भी आ गया है। और इस तरीके से हम थोड़ा सा टच करके देख रहे हैं, इतना स्पंजी बना है ना, यकीन मानिए। और ये देखिए इस तरीके से टच किए बिल्कुल हाथ में नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से एक थाली लेंगे बड़ा सा और इसको इस तरीके से पलटेंगे और ये देखिए वाओ, कितना प्यारा सा कलर आया, क्रंची बना है बिल्कुल। तो अब आपको दूसरी साइड से इसे सेकना है, तो पहले इसको हम दूसरी साइड से अच्छे से कढ़ाई में रख लिए हैं, सावधानी से रखिएगा। और इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस, पास्ता सॉस, जो भी आपके पास पड़ा है, अगर वो नहीं है टोमेटो केचप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ग्रीन चिल्ली ऐड कर लीजिए। दोनों को मिक्स करके आप बनाइए। आपके घर में जो सामान है ना बिल्कुल उसी से बनाने के लिए आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पिज्जा बना खाने का मन कर रहा है, कभी भी आपको पिज्जा खाने का मन हुआ तो मार्केट से सामान लाना है, आपके पास चीज नहीं है तो विदाउट चीज तो कभी बन नहीं सकता है। चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल नहीं है तो आप अपने मनपसंद जो पड़ा है घर में आप उससे बना सकते हैं। और जो मेरे पास था उसी से हम बना के दिखाएंगे। तो पहले अच्छे से हम सॉस लगा लिए, उसके बाद जो चीज है, चीज पूरा जो है मेरा अच्छे से मेल्ट हो गया था ऑलरेडी, हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखे थे, तो इसलिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हम डाल रहे हैं। अगर आपका जो फ्रिज है थोड़ा जो आपका चीज है थोड़ा हार्ड है तो उसे आप कद्दूकस कर लीजिए। तो मुझे कद्दूकस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि मेरा चीज जो है हल्का मेल्ट हो गया था। तो इस तरीके से सारी चीज को जो है हम अच्छे से पिज्जा वाले बेस पे जिसमें हम लगाए हैं टोमेटो केचप
और ग्रीन चिल्ली दोनों मिक्स करके लगाया। मेरे पास पिज्जा और पास्ता सॉस दोनों भी नहीं था, इसलिए इजी से आप लोग के साथ रेसिपी शेयर किए हैं। और इसके बाद डाल देंगे छोटा छोटा कटा हुआ प्याज। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, आपके पास प्याज तो सबके घर में होता है, तो छोटा छोटा कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। अगर रेड वाला आपके पास शिमला मिर्च नहीं है, ग्रीन वाला शिमला मिर्च नहीं है, कोई बात नहीं, टमाटर तो है घर पे ना, आप उसे डाल दीजिए। या अगर आपके पास रेड वाला शिमला मिर्च है, ग्रीन वाला नहीं मिलता है, तो ग्रीन चिल्ली डाल दीजिए, जो कि हम उसी तरीके से बिल्कुल बनाया है। ना इसमें हम शिमला मिर्च का इस्तेमाल किए हैं, रेड वाला ग्रीन वाला कुछ भी नहीं। प्याज डालें, प्याज डालने के बाद टमाटर को भी इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। और इसके बाद ले लिए मिर्च, हरी वाली जो आता है उसको लंबे लंबे इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए, उसके ऊपर से सारा चीज डाल के इसको डेकोरेट कर दिए, क्योंकि बिल्कुल चीजी पिज्जा बनाने वाले हैं, इसलिए बहुत सारा मोजरेला चीज डाल रहे हैं। आपको अगर चीजी पिज्जा पसंद है, बहुत ज्यादा चीज वाला पिज्जा पसंद है, तो भर के चीज डालिए, तभी बहुत ही अच्छा और टेस्ट भी आएगा और देखने में भी लुक भी आएगा। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी चीज लाने की बाहर से जरूरत है। तो कितना आसान सा आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की है, जब मन करे तब आप बना के खा सकते हैं। नहीं भी कोई चीज आपके घर पे पड़ा है, कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा और गए थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स आपको डालना जरूरी है, उससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से डेकोरेट करने के बाद थोड़ा सा और गए ना, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल दीजिए और हल्का सा ऊपर से काला नमक या सफेद वाला जो नमक है ना, वो थोड़ा सा छिड़क दीजिए, उससे जो है स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसको ढक देंगे, ढकने के बाद 2 मिनट तक इसे पकाएंगे, जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको पकाना है। पर इस बात का ध्यान रखिए, मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ही पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत पकाइएगा, जो बेस है वो नीचे से जल जाएगा और चीज जो है मेल्ट भी नहीं होगा। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा, चीज जो है हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। और ये देखिए वाओ क्या दिख रहा है, आप यकीन मानिएगा, ये घर पे पिज्जा बना हुआ है, देखिए कितने अच्छे से चीज मेल्ट हुआ है, आप यकीन मानिए, एक बार में आपका इतना परफेक्ट पिज्जा बनने वाला है ना, हम क्या बोले, आप खुद बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। और ये देखिए हम आपको एक बार दिखाते भी है, नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं है हमारा बेस और कितने अच्छे से चीज हमारा मेल्ट हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं थाली में, थोड़ा सा निकालना कठिन है क्योंकि चीज बिल्कुल मेल्ट हो गया है, तो थोड़ा सावधानी से इसे निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पहले हम आपको कढ़ाई में दिखा रहे हैं, सोचे इसी में कट कर लेते हैं, फिर कट करना मुझे इजी नहीं लगा, इसे निकाल लिए थाली में। और थाली में निकालने के बाद इसे कट करके दिखाते हैं आपको कितना चीजी लाजीज हमारा पिज्जा बन के तैयार हुआ है और कितना क्रंची बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से पिज्जा बनाइए, यकीन मानिए आपके सब लोग आपका तारीफ करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हाथ से उठाएं और जलने लगा, इसलिए थोड़ा सा हम इस तरीके से आपको उठा के दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। और ये देखिए वाह कितना अच्छा और कितना चीजी हमारा पिज्जा बना हुआ है ना, तो इस तरीके से बनाइएगा ना, यकीन मानिए सब आपका तारीफ करेंगे और सब आपसे पूछेंगे कि आप इसे कैसे बनाए। और बिल्कुल आसान सा, कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना है, आप मिनटों में इसे बना के तैयार कर सकते हैं, ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किस किस को पिज्जा खाना है जल्दी से आ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पिज्जा आप लोग को कैसा लग रहा है, आ गया ना सबके मुंह में पानी। तो इस तरीके से पिज्जा आप लोग कब बना रहे हैं जल्दी बताइए, और नहीं तो भाग के जाइए किचन में तुरंत ही बना लीजिए क्योंकि बनाना बिल्कुल आसान है। तो मिलते हैं इस तरह से एक और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।